Assalamualaikum. Welcome to the new show, जिसका नाम है Aagahi with Kirmani. और आपका होस्ट जमशेद किरमानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं. जैसा कि हमने कहा था कि हम डिफरेंट कम्युनिटीज को कैटर करते हैं, चूंकि ये स्टूडेंट्स ई कैफे हैं, लेकिन हम फिर भी डिफरेंट कम्युनिटीज को कैटर करते हैं. तो हमने हर कम्युनिटी से मैसेजेस लिए हैं, लेकिन आज के टॉपिक पे जाने से पहले, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है जो कि आज की जनरेशन में है, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल देर नहीं हुई. नीचे आपको बेल आइकन दिया गया, उसको चाहें उसको प्रेस करें. आपके पास हमारा फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक. अगर आप कोई अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं. और अगर आप वैसे ही पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं मेरा नाम ना शो हो, तो आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं. आपके टॉपिक को विद इन 2 वीक्स कवर किया जाएगा. ये मेरा आपके होस्ट जमशेद किरमानी का आपसे प्रॉमिस है. हमने जो आज का टॉपिक लिया है, वो हमें कुछ पेरेंट्स से मैसेज किया कि मेरा बच्चा एक सॉफ्टवेयर टूल से बड़ा एडिक्टेड है, उसके पीछे दिन रात वेस्ट करता है, वो दुनिया से लातालुक हो गया है, उसकी एक अपनी ही दुनिया क्रिएट हो गई जिसको हम कहते हैं ख्याली फैंटेसी वर्ल्ड, और उस चीज का नाम है टिक टॉक. जी, स्टार्ट करते हैं टिक टॉक. जिसने बनाई उनको शायद दुनिया की सबसे अकलमंद कौम तसव्वुर किया जाता है, चाइना. अच्छा, मुझे कोई बंदा कहेगा यार चाइना ने इसको बनाया 2017 में, आप कह रहे हो दुनिया की सबसे अकलमंद कौम और ऐसी चीज बनाई जिसकी वजह से तमाम वालदैन परेशानी में मुब्तला हैं. अकलमंद कौम थी, बनाई, उसे जरे मुबादला कमाया करोड़ों में, लेकिन कभी खुद इस्तेमाल नहीं किया. इस गुस्से को ठंडा मत होने दे गुरु, जरा दे इस लावे से दुनिया को, सब लौट आना यहाँ. क्योंकि हम एशियंस में ये एक आदत है कि हम दो चीजों की अंधाधुंध निकाली बहुत करते हैं, एक मगरिब की और एक चढ़ते सूरज की. हमने यही अंधाधुंध निकाली इस बार फिर की, किसमें? टिक टॉक में. अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, टिक टॉक की ऐप यूज करने से ना तो आप अच्छे गुरुकार बन सकते हैं, ना तो आप अच्छे अदाकार बन सकते हैं, और ना ही आप अच्छे टुरु टुरु डांसर बन सकते हैं. फिर जरा ये सोचिए कि जहां हम एशियंस इतने प्रस्पेक्टिव होते हैं कि हम फायदा नुकसान को देखते हैं हर डिग्री में, हर चीज में स्टूडेंट्स, तो टिकटॉक में क्या फायदा है? बिजनेस वेंचर, तजारती फायदा. डिजिटल का टाइम है, वेब बाकी यूट्यूब पे कंटेंट्स बन रहे हैं, चैनल्स बन रहे हैं, और डिफरेंट कंटेंट्स शेयर हो रहा है, और उस चैनल के थ्रू अर्निंग भी हो रही है. लेकिन मुझे समझ नहीं आती वो अर्निंग, ठीक है, अच्छे पर्पस के लिए कुछ अपने लेक्चर शेयर कर रहे हैं, कुछ हम स्टूडेंट्स ई कैफे यूट्यूब के थ्रू स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से कोई भी स्टूडेंट्स पेरेंट्स के बारे में, गुड पर्पस, वेरी गुड पर्पस. टिकटॉक की समझ नहीं आती. अच्छा, पिछले दिनों मैं सुन रहा था कि एक टिकटॉक स्टार की डेथ हुई. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह करे उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन. मैंने कहा यार कैसा स्टार है टिकटॉक का, मैं सोशल मीडिया पे होता हूं, मुझे पता ही नहीं इस स्टार के बारे में. एक वर्ड यूज होता है सस्ती शोहरत, वो होती है टिकटॉक में. आप स्टार होते हो, आपके फॉलोअर्स 1000 लाख में आपके फॉलोअर्स आएंगे, 28K, 51K, 100K, लेकिन आप वो चमकता हुआ स्टारा हो जो कभी आसमान पे नहीं हुआ, जो घर से बाहर निकला तो उसको कोई जानता नहीं. मैंने कहा भाई कैसा स्टार है. चूंकि हम स्टूडेंट्स ही कैफे में खड़े हुए और हम इससे बागी नहीं हो सकते, आज स्टूडेंट के हवाले से देखते हैं कि तालिबे इल्म की जिंदगी में टिकटॉक की क्या अहमियत है. टाइम इज मनी, वक्त पैसा है. हर बंदा कहता है कि तालिबे इल्म का जमाना, इंसान जो कुछ बनना चाहे बन सकता है, उसके लिए टाइम. लेकिन ये टिकटॉक सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करती है एक तालिबे इल्म का. वो एक ख्याली दुनिया में, फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है, ख्याली दुनिया में अपने आप को क्या से क्या वो किसी भी करके वो करके अपने आप को समझ लेता है. लेकिन जब वो ख्याली दुनिया से वापस आता है तो उसका एहसास होता है, लड़कियों को ये पता है कि उनकी वीडियोज का कितना गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी फोटोज का कितना गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. कोई भी उनकी फोटोज को करे, एडिट करे, क्रॉप करे, उनके किसी भी एंगल को करे और उसको अगर वायरल कर दे, तो एक लड़की जो टिकटॉक में स्टार बनी हुई है और अगर उसकी कोई गलत वीडियो लीक हो जाए, तो वही लड़की फिर किसी माशरे के सामने तारे जितनी, स्टार जितनी आने की भी अहमियत नहीं रखती. वो आंख उठाने की भी अहमियत नहीं रखती. फिर वही लड़की जिसको आसमान पे चमकना था, वो अपने कमरे की दीमक बन जाती है. जी, फेक स्टारडम, सस्ती शोहरत. इंसान कहता है इंडिविजुअलिटी, इंफरादियत, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से इम्तियाज करती है, अपनापन. टिकटॉक में एक ऐसे सितारे बनते हैं आप जो कभी आसमान पे नहीं चमकता, जिसको उसका हमसाया भी नहीं जानता, लेकिन आप उल्टा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिक्रीज कर रहे होते हैं किसी और का बनके. वो गाना
गाना जो किसी अदाकार पे पिक्चराइज हो चुका है वो उस पर ही जिंदगी भर जानेगा, कोई ये नहीं जानेगा उस पर मैंने कैसे अदाकारी की। नहीं, एडिक्शन ऑफ टिकटॉक अफेक्टिंग रिजल्ट। जब हमने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का मुआवजा किया तो जाना कि मैट्रिक और एफएससी के इस साल के रिजल्ट एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स कम क्यों आए, तो मोस्टली टीचर्स, प्रोफेसर्स एंड इवन पेरेंट्स ने कहा कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है नशा होना, और वो नशा किसी और चीज का नशा नहीं, वो नशा है टिक टॉक जी। कंक्लूजन एंड रिजल्ट, मैं कंक्लूजन पे, जिसे हम कहते हैं नतीजा, उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। मैं एक शेर करना चाह रहा हूँ, एक शेर बोलना चाहता हूँ जो शायर मशरिक सर इलामा मोहम्मद इकबाल ने 20वीं सदी के आगाज में कहा था उन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जो अंधाधुंध निकाली उस वक्त किया करते थे और वो आज भी लागू होता है। वो शेर ये है, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। हाय हाय हाय, प्लीज प्लीज प्लीज, आप सबको समझ आ गई है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी बनाए और जस्ट से वन थिंग, से नो टू टिकटॉक, आज से नो टिकटॉक। थैंक यू सो मच।